सो गाइज, आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ IDM फॉर एंड्रॉइड। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का नाम तो आपने सुना ही होगा कि अगर हमें पीसी में, विंडोज़ में कोई भी फाइल डाउनलोड करनी होती थी तो हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को यूज़ करते थे, क्योंकि इस पर हमें जो स्पीड मिलती थी वो भी काफ़ी गजब की मिलती थी और डाउनलोड फेल्ड वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। पर बहुत लोग पूछते हैं कि IDM एंड्रॉइड के लिए आता है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रॉइड के लिए भी IDM आता है और गाइस काफ़ी गजब का ऐप है। अगर आप इसके बारे में एक बार जान गए ना तो आप हमेशा अपने फ़ोन में IDM को रखोगे और गाइस काफ़ी कमाल का ऐप है। इस पर आपको जो स्पीड मिलती है ना वो भी काफ़ी गजब की मिलती है। अगर आप क्रोम में डाउनलोड करोगे तो उससे आपको यहाँ पर 2 से 3 गुना स्पीड ज़्यादा देखने को, क्योंकि इस पे जो फाइल डाउनलोड होती है ना वो पार्ट्स में डाउनलोड होती है, पैरेलल डाउनलोडिंग ये सपोर्ट करता है, तो आपको स्पीड भी काफी गजब की मिलती है और डाउनलोड फेल्ड वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो अगर आप IDM फॉर एंड्रॉइड जाना चाहते हो तो ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखो। सो गाइस, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर तो यहाँ पर विंडोज़ पर नाम था, पर गाइस अगर हम एंड्रॉइड फोन की बात करें तो एंड्रॉइड फोन में इसका नाम थोड़ा बहुत बदल चुका है और नाम बदल के हो चुका है 1DM। अब 1DM को कैसे डाउनलोड करना है, इस पर कैसे फाइल्स को डाउनलोड करना है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको जाना है अपने एंड्रॉइड फोन में। एंड्रॉइड फोन आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा और गाइस यहाँ पर आपको ओपन करना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करोगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है 1DM। 1DM यहाँ पर आपको सर्च करना है। फर्स्ट यहाँ पर 1DM आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और करीब 20 MB की ऐप है तो ये आपको डाउनलोड करनी है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 1 करोड़ प्लस के डाउनलोड्स है। तो गाइस ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और गाइस ये आपको IDM के सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको पैरेलल डाउनलोडिंग मिल जाएगी, डाउनलोड फेल्ड वाली प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी और गाइस जो स्पीड मिलेगी ना वो भी काफ़ी गजब की मिलेगी। आगे मैं आपको कंपैरिजन देने ही वाला हूँ, तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और गाइस ये देखो कि डाउनलोड होना यहाँ पर शुरू हो चुका है और इंस्टॉल भी यहाँ पर हो चुका है। अब इस ऐप को अगर आप ओपन करोगे ना, सबसे पहले ये आपसे परमिशन मांगेगा और आपसे ये लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आप देखोगे कि यह मुझसे परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद गाइस ये मुझसे पूछेगा कि जो भी फाइल डाउनलोड होगी उसको आप SD कार्ड में सेव करना चाहते हो या फिर फोन स्टोरेज में करना चाहते हो, तो यहाँ मैं फोन स्टोरेज में कर दूंगा। उसके बाद ये कुछ मुझे ट्यूटोरियल्स देगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फाइल्स के अंदर डाउनलोड करनी है आपको। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ हो चुकी है, पूरा हमारा ऐप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस देखो, यहाँ पर आपको फाइल डाउनलोड करनी है ना तो आप क्रोम से फाइल इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके अंदर एक इनबिल्ट ब्राउजर दे रखा है, वहाँ से आपको फाइल डाउनलोड करना पड़ेगी। उस ब्राउजर का आपको यूज़ करना पड़ेगा, उससे आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऊपर ब्राउजर का साइन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और गाइस ये पूरा एक ब्राउजर ही है। अगर यहाँ से आप कुछ भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हो ना, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँ, जैसे कि मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारी चीज़ आ जाएगी, एक तरह का ब्राउजर ही है। तो यहाँ से आप जो भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ से आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अब पहले से यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि मैंने यहाँ पर एक ड्राइव की लिंक यहाँ पर कॉपी कर रखी है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको डाउनलोड कर दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइव की लिंक खोल ली है, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि आप किसी भी ब्राउजर पर करते हो। तो यहाँ से मुझे डाउनलोड पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ से न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब की यहाँ पर फंक्शनलिटी दे रखी है और डाउनलोड पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और गाइस यहाँ पर डाउनलोड होना मेरा शुरू हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है तो इसके ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगी, उसके बाद IDM में यानी जो भी डाउनलोड मैनेजर है वहां दिखने को लग जाएगा। तो यहां पर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा और गाइस आप यहां देखोगे कि मैं यहां पर रिटर्न टू 1DM करूंगा और मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड होना यहां पर शुरू हो चुकी है। तो यहां पर आपको रिटर्न टू 1DM करना पड़ेगा और यहां से आप ब्राउजर पे शिफ्ट हो सकते हो। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि स्पीड भी काफी गजब की आ रही है और आराम से मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है। और गाइस एक और फीचर इसका आपको मैं बताता हूं कि जो भी आपकी डाउनलोड फाइल होगी ना वो आपके यहां पर जो भी फोन स्टोरेज या फिर आपने SD कार्ड सिलेक्ट करा वहां पर आ जाएगी। और गाइस यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अलग अलग यहां पर कैटेगरी बन चुकी है। अगर आप ZIP फाइल डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी RAR फाइल डाउनलोड करते हो वो कंप्रेस में आ जाएगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो जैसे PDF या फिर Excel फाइल डाउनलोड करते हो तो वो डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। तो अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है, जिससे ये होता है कि गाइस हम जो भी चीज डाउनलोड करेंगे ना तो उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है जो कि हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में देखने को मिलता था, वही कि वो फीचर इसमें भी दे रखा है। तो गाइस काफी बढ़िया ऐप है और इससे आप जो फाइल डाउनलोड करो आराम से कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर 600 MB की फाइल डाउनलोड हो चुकी है और गाइस आपको मैं कंपैरिजन में देने वाला हूँ, ये फाइल अगर मैं गूगल क्रोम से डाउनलोड करता हूँ ना तो ये फाइल डाउनलोड होने में गाइस करीब करीब 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट में ये फाइल डाउनलोड होती है और यही फाइल अगर मैं 1DM से डाउनलोड करूंगा ना तो ये फाइल सिर्फ 50 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये भाई ये पार्ट्स में डाउनलोड करता है, पैरेलल डाउनलोडिंग सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पर जो स्पीड मिलती है वो भी काफ़ी गजब की मिलती है और आपकी फाइल्स भी काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जाती है और डाउनलोड फेल्ड वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो गाइस इसको यूज़ करो और जो भी मूवीज डाउनलोड करते हो आप या फिर ZIP फाइल डाउनलोड करते हो ना तो गाइस इससे करो, इससे आप सिक्योरली डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी स्पीड में डाउनलोड कर सकते हो। होपफुली गाइस ये ऐप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऐप पसंद आया तो इसको डाउनलोड करना और गाइस आप भी यूज़ करना, और एक बार आप इसको यूज़ करना सीख गए ना उसके बाद तो गाइस आप इसको ही डाउनलोड करने के लिए यूज़ करोगे। मैं तो इसको हमेशा अपने फोन में रखता हूँ, जब भी मुझे कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करनी हो ना इसका मैं यूज़ लेता हूँ। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो गाइस आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, या DM करके जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।